हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके एक न्यू व्लॉग में। होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। नॉर्मली जो चावल बचे हुए होते हैं मैं उनके फ्राइड राइस बना देती हूँ। अभी ऐसा कुछ दाल वाल बनाए नहीं, तो मैंने जो ताज़ी चावल हैं वही उबाल के रख दिए। अब मैं इसके बनाऊंगी फ्राइड राइस। बहुत क्विक रेसिपी है, तो मैंने सोचा खाना बना ही रही हूँ तो आपसे शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ वेजीज डाले नहीं हैं और सिंपल सा बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और छोटे छोटे बीन्स और प्याज काट लिए हैं और राई का तड़का लगा दिया है मैंने। अगर आपके पास ज़्यादा वेजीज हैं, बंद गोभी और गाजर है, तो आप इसके साथ शिमला मिर्च सब डाल सकते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस बहुत टेस्टी होती है। और इसका नॉर्मली मार्केट में मसाला भी मिलता है, बट मैं सिंपल सा बना रही हूँ घर के मसाले से ही, सबको पसंद आता है। ये देखिए, जब बहुत ज़्यादा इसमें ब्राउन नहीं करना पड़ता है, हाफ ही फ्राई करना पड़ता है जो भी हमारे वेजीज होते हैं, जो अनियन है। इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है और मैं साथ ही इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ और गरम मसाला डालूँगी। और जो हमारे उबले हुए चावल हैं, जो बने हुए चावल हैं, डायरेक्टली वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। या फिर आपके पास रखे हुए रात के चावल हो तो, रात के चावल ज़्यादा अच्छे होते हैं, खिले खिले रहते हैं, या पहले के बने हुए चावल। बट अभी मैं इंस्टेंट डाल रही हूँ, थोड़ी सी ये कम खिले होंगे, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा। आप इसे खीरे के रायते के साथ, बूंदी के रायते के साथ, सिंपल दही के साथ खाइए और चटनी बनाइए। अगर शेजवान चटनी आपको पसंद है तो रेड चिल्ली की वो बना के ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जो बना के रखी है वो छोटे अमिया की बनाई है। ये देखो, इस बार चावल कम खिला है क्योंकि इंस्टेंटली मैंने अभी गर्म कुकर से निकाल के इसमें डाल दिया है। होप आपको डिश अच्छी लगेगी। अगर आप भी बनाएं तो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया डाल दीजिए। खाना पीना हो गया डन, सोचा प्लांट की केयर कर लेते हैं। ये देखो हमारे प्लांट, नीचे भी ये गुड़हल है, ये नाग पुष्प, ये है लक्ष्मी का है कोई पौधा, ये लीची, अमरूद, बनाना। अब मैं इसमें लगाऊंगी गेंदे के फूल। अरे आओ, आ जाओ। ये देखो, आज हम लगाएंगे गेंदे के फूल। अब इसमें डालेंगे पानी। तो हम भर रहे हैं पानी। हम पानी लेके जाएंगे, बकेट भर के ले जाएंगे, ठीक है? पूरे भर लेंगे। ठीक। देखो भर गई बकेट। चलो, आओ चलो, आराम से आराम से। बकेट लेके जा रहे हैं हम पानी भरने। देखो पानी, पाइप नहीं लगाया, बकेट से लेके जा रही हूँ। पाइप इसलिए नहीं लगाया, पाइप में ज़्यादा टाइम लगता है। देख लो अभी कितने ऊपर की हो रहे हो आप। आप तुम तो हाथ हिलाते हो रहे हो। अब ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पानी देना चाहिए, गर्मी ज़्यादा होती है ना। प्लांट को भी प्यास लगती है। और क्या, प्लांट को भी प्यास लगती है, जैसे हमें लगती है। और इसे इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं तो बहुत रखती हूँ। रखती हो? ऊपर रखती हो ना, यहाँ के तो नहीं रखती हो। यहाँ के भी रखती हूँ, ऊपर के रखती हूँ। अच्छा, अब रोज इधर भी पानी डालूंगी, ऊपर भी। फिर मॉर्निंग में, इवनिंग में, टू टाइम, ठीक है?
अभी हम और लगाएंगे प्लांट। प्लांट ही प्लांट है, अब इनकी करें सेवा। इसमें छोटे छोटे तुलसी भी हो रहे हैं। बैठ के खाओ। ये हो रही हमारी लौकी, और ये है टमाटर। टमाटर हो रहे देखो कितने बड़े बड़े। बेल है बस, हो नहीं रही है। देखो एक है छोटा। अरे यार आपके ऊपर प्लांट। अब नहीं, इतने सारे ले लिए मैंने। चलो इतने सारे मिट्टी भर ली हमने, अब हम जाएंगे घर प्लांट लगाने अपने घर ऊपर टेरेस पर। देखो एक न्यू होम बन रहा है। माय हेल्प कर दी हमने शेरे की। चलो आप प्लेट पकड़ो, उसको मैं पकड़ लूंगी, बहुत बड़ा है। आ रही है, अरे रखो नीचे, ये लो। चलो अब हम चलेंगे प्लांट लगाने, न्यू प्लांट। मिट्टी लेके आ गए हम खूब सारी। श्री वहां से देना, ऐसे ऐसे और रखे हुए वहां कहां पर है? इधर इधर उस साइड, उस साइड रखी। मेरे छोटे छोटे है ना, इसमें हम भरेंगे और बहुत सारे प्लांट लगाएंगे। और अरे भैया मिट्टी भरेंगे आराम से, फिर लगाएंगे प्लांट। अभी आग लगाएंगे मामा, ये वाली सब में लगाऊंगा, सब में देखो। आप वो करो ना, स्कूटर चलाओ अपना। क्यों अब वो तो गई एक लाख की आते हमारी दोम अब तो पहले उधर से वो पहले तुम को बना लगते हैं पहले इनको बिल को फोर हमारे हो गए। फोर हमारे ही हैं, पर डन तो अभी थ्री हुए हैं ना। अब मैं भी वरी हुई थी। आप लाओ पानी, पानी लाओ, जग लाओ, अंदर से मग्गा लेके आओ। आओ मग्गा लेके, जिसमें कम है उसमें भर देंगे। फोर हमारे डन। पानी मत डालो, रुक जाओ। कौन सा डिब्बा? वहाँ पर जहाँ पर आपकी मेडिसिन रखी होती है ना, वहाँ पे प्लास्टिक का डिब्बा है, वो भी ले अंदर रूम में, जहाँ आपके वो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, कलर बॉक्स जहाँ रखते थे ना कलर पेंट वाले। बहुत दिन से रखे हुए थे, मौका नहीं मिल रहा था इनको भरने में।
वहाँ पर कोई ब्लू कलर का डिब्बा नहीं है? नहीं। जिसमें बेबी बना है? नहीं। होगा यार, अभी दोबारा देखो, सब मिलेगा आपको। चार के चार हमने इसमें पानी भर दिया, कड़ी पत्ता, छोटे गेंदे हो रहे हैं, ये कुछ शो का है, और ये काइंड ऑफ गुड़हल है, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये वाइट गुड़हल मैंने लिया था, मेरे साथ धोखा हो गया, ये रेड ही है। हाँ जी, ये वाला। और ये भी है, ये एलोवेरा जो आजकल हर किसी के घर में, तुलसी जी और शमी मनी प्लांट, ये भी कुछ शो का है। और ये भी है, ये एक और तुलसी छोटी सी। अब आप क्या करोगे? आपने किसमें डालना है? ये तो भर गया, अब इनमें मत डालना। अब दूसरों कौन सा है आपका प्लांट? कौन से आपके प्लांट? देखो इधर। अच्छा, ये वाले बढ़िया है भाई। देखा, इसमें पानी पीने आते बेटा, देना इसमें पानी और भर देती हूँ। ये पानी पीने आ रहे हैं ना, ये पानी के लिए रखा है इनके लिए। गर्मियों में जरूर रखना चाहिए, बेचारे प्यासे आते हैं। भर के दो मुझे और, इसको फुल कर देंगे, अपने आप पीते रहेंगे ये, ठीक है? Okay. और आप क्या कर रहे हो परी? हाँ? बस हो गया, डन। ये देखो पूरा भर दिया, अभी अपने आप पीते रहेंगे। और लो आप डालो, मैं डालूंगी। ठीक है, आप डालो अपने प्लांट। आप अपना काम करो ना। हाँ ठीक है, बताओ। बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए पौधों का ख्याल रखना। श्री डेली इनकी केयर करती है ना श्री। ये शमी है, शमी में कांटे चुभते हैं बेटा, ध्यान रखना। ओके, बस तुलसी जी में मत डालना, वो कॉर्नर वाले में मत डालना बस। इसमें? हाँ उसमें, और मत डाल। और आप लड़की, ये मेरे पार्टनर हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुलसी जी को सिर्फ मॉर्निंग में देना चाहिए, इसमें मत डालो, इसमें डाल दिया। तुलसी जी को इवनिंग में नहीं देते। ओके, याद रखना, भूलना नहीं। अब भूल गई तो अब याद रखना, ठीक है? आप तो चला नहीं रहे हो ना, चलाने दो। नहीं नहीं, एक ही चला। आप या तो प्लांट में पानी दो या तो उसको चलाने दो, तब क्या करोगे? दे दो फिर, गुड गर्ल बन गई है। किनको लगती है प्यास? इन दोनों को। उसमें मत डालना, तुलसी जी है बोला है ना। ओके। हाँ जी, ऊपर है ये देखो। अब जितने में भी हमने डाला है, बैठो बैठो, उसमें मैं डालूंगी। देखो ये अच्छे से सूख गए हैं, गेंदा, और इसमें डालूंगी। गेंदा बहुत टाइम से हो नहीं रहा था, अब मैंने बहुत सारे उगा दी है। देखो ये जब ब्लैक ब्लैक हो जाए यही लगते हैं, वरना लगते भी नहीं है। देखो सब में इक्वल डाल दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में भर दिया। ये, ये। दिख नहीं रहे ना, इसलिए मैं दिखाती हूँ। छोटे छोटे ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक। दीदी को बोलो मेरे ऊपर गिर गई थी। अरे गिरो नहीं, अच्छे से चलाओ। देखो काफी में है भी नहीं, ब्लैक वाइट वाइट है, तो जो ब्लैक है वही डालना। बाकी की बन जाएगी खाद। ओके, है ना बुक्स चिपकाने वाला। मुझे लगा लिप बाम। नहीं, गलत लगा। लिप बाम तो ऐसे होते हैं। लिप बाम ऐसे होता, पर ये नहीं है। लिप बाम ये बन गया हमारा हेला डेकोरेशन प्लांट। ये क्या करता है? इसमें होंगे प्लांट हमारे, अच्छी से भिगा दिए मैंने। काफी दिन से सोच सोच के बेचारे ये भी खराब हो। मम्मा रेन आ रही है। रेन आ रही है? रेन अभी कहाँ आएगी? हो गया, मेरे भी एंड हो दो।
वहाँ पर करो वॉश, यहाँ पूरा मिट्टी आपके ऊपर आ जाएगी। दिमाग लगा रही है। अब हो गई है नाइट, अब मैं बनाने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन डिश, जिसके लिए हमें बहुत सारे टमाटर की ज़रूरत पड़ती है, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अच्छे से काट लें और इन तीनों को मिक्स करके और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के कुकर में 4-5 सीटी लगा लें और ये अच्छे से पक जाए, तो उसके बाद आप इसमें डालें जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी ये सब्ज़ी है, गोला। गोला आप सूखा भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। मैं जो ले रही हूँ वो कच्चा नारियल ले रही हूँ और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, हल्दी डाल के ही पीसें। अगर सूखा नारियल है तो उसमें गर्म पानी डालें, इतना महीन करें, हाथ से चेक कर लें कि बहुत सॉफ्ट हो। और साथ में इसमें जो सब्ज़ी में पड़ते हैं वो आलू पड़ते हैं, तो मैं 5 से 6 आलू ले रही हूँ। और आलू को आप अगर छोटे हैं तो 4 ही पीस करें, क्योंकि आलू मोटे होते हैं, आलू घुटने नहीं चाहिए, आलू खड़ा ही रहता है इसमें, क्योंकि और कुछ तो पड़ता नहीं है, बस नारियल और आलू पड़ते हैं। तो देखिए मैं आलू के पीसेस बना लेती हूँ, स्लाइस बना लेती हूँ 1 के 4 टुकड़े। देखिए आलू अच्छे से कट गए हैं और जो कुकर में सीटी लगाए थे टमाटर को, उन्हें मैं अच्छे से घोट लेती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस टाइम पर हम इसमें जो कटे हुए आलू हैं वो डाल देते, अगर आप चाहें तो इसमें 1 सीटी लगा सकते, अदरवाइज़ इसी टाइम पर आप जो आपका बैटर है, जो पिसा हुआ नारियल है, वो भी डाल सकते हैं। तो और इसी टाइम पर आप इसमें नमक भी डालिए, क्योंकि आलू नमक पकड़ लेता है, और हल्का सा अगर आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसी टाइम पर जो हमारा नारियल पिसा हुआ है, जो मिक्सी करी हुई है नारियल है, उसको डाल दूँगी। नारियल डालने के बाद या तो आप सिम कर लें और या गैस बंद कर लें, क्योंकि नारियल फिर फट जाता है, और कंटिन्यू आप करछी को चलाते रहें। और जितना भी आपको अगर पतला पसंद है तो उस अकॉर्डिंग पानी डाल दें। ये देखिए करछी रुकनी नहीं चाहिए, और जैसे ही इसमें उबाल आने लग जाए, कायदे से अगर इसमें 1 सीटी लगी होती है आलू में, तो 1 से 2 उबाल में सब्जी आपकी रेडी हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा पकाऊंगी, क्योंकि मैंने आलू में सीटी नहीं लगाई है, थोड़ी देर में चलाते रहूंगी और खुले में पकाऊंगी। जैसे ही हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें लगाएंगे राई का और तेज कड़ी पत्ते का तड़का। और ज़्यादातर जो भी साउथ इंडियन डिश होती हैं उसमें कड़ी पत्ते का तड़का लगता है और राई का, और इसके साथ हम चावल बनाएंगे और रोटी। साउथ इंडियन जो भी डिश होती है, चाहे आप सांभर बनाओ चाहे गोले की सब्जी, तो इसके साथ चावल ही पसंद करते हैं। बट कुछ लोगों को हमारे घर में रोटी भी पसंद है, तो रोटी भी बना रही हूँ। चावल मेरा डन हो गया, अब मैं लगाती हूँ तड़का। सब्जी भी बन गई है, थोड़ी देर मैंने उसको सीटी लगा के रख दी। और इसके साथ पापड़ बहुत ज़रूरी होते हैं, साउथ इंडियन लोग लिज्जत पापड़ या पापड़ बहुत खाते हैं, तो मैं वो वाले पापड़ फ्राई करूँगी जो होली में आते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, अब मैं इसमें छोटी वाली राई डालूंगी। मैंने सब्जी में लाल मिर्च नहीं डाली थी, तो इसलिए मैं तड़के में अभी लाल मिर्च डालूंगी। कड़ी पत्ता इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं भूल गई थी और रात को पत्ते तोड़ते नहीं हैं। ये देखिए और मैंने डाल दिए है सब्जी में, और अब मैं इसको कर दूँगी बंद। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, बट मुझे हरा धनिया पसंद है तो मैं गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालूंगी, अदरवाइज़ हरे धनिया की कोई नीड नहीं है। आप इसे चावल पापड़ के साथ खा सकते हैं, अगर रोटी पसंद है तो रोटी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। ये देखिए सब्जी हो गई रेडी, अब मैं तल रही हूँ पापड़। बस पापड़ के बाद और मैं करती हूँ अब थाली रेडी।
पापड़ आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, बट मेन जो सबको पसंद आते हैं वो लिज्जत पापड़ आते हैं। ये भी अच्छे लगते हैं बच्चों को, सबको। पापड़ हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते राइस के साथ। मेरी सास जो है वो साउथ इंडियन है, तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत साउथ इंडियन डिशेस आती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी अच्छी लगेगी ये डिश, मुझे भी पसंद आती है। डांस करोगे तो मैं तुम्हें करवाऊंगा।